कि आपको किसी को बैकअप ज्यादा चाहिए 48 वोल्ट 200 AH 300 AH ये 1600 AH तक जा सकता है। डिस्प्ले के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी वोल्टेज को बताएगा, इसके अंदर यूज होने वाले करंट को बताएगा, चार्जिंग करंट कितना जा रहा है या डिस्चार्जिंग करंट कितना जा रहा है। ये पूरा टच स्क्रीन है। ओके 48 वोल्ट 100 AH का एक बैटरी पैक है जो हमने सीरीज में करके बनाया हुआ है। ये इसके अंदर सभी में स्लेव्स लगे हुए हैं। इस BMS की जो टोपोलॉजी है हम कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से IA के अंदर पहुंचे हैं यूटिल कंपनी के स्टॉल के ऊपर। और यूटिल का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर रिसेंटली अभी इन्होंने लिथियम के साथ में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। इनके इनबिल्ट लिथियम वाले पहले ही सोलर PCU मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अभी लिथियम के अंदर इन्होंने काफी बड़ी रेंज को लॉन्च कर दिया है, जिनके बारे में जानने वाले हैं इन्हीं से। तो चलिए मिलते हैं इनसे और हैं इनके नए प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अभी हमारे साथ हैं लोकेश जी और इनसे जानने वाले हैं इनके लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो नमस्कार लोकेश जी। थैंक यू। तो बताइए सर, अभी यूटिल ने कौन कौन से नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया? हमारे ना कुछ नई रेंज आई है इसके अंदर। जैसे हमारा ना विद डिस्प्ले हमने दिया है। ये हमारा 12 वोल्ट 100 AH का पैक है। ये हमारा वॉल माउंटेड भी हो सकता है। और ये स्टैंड लोन आपको रखना है, स्टैंड लोन रख के आपको उसको सिंपली यहाँ से इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा कनेक्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, जो आपके इन्वर्टर के वायर है सिंपली जैसे आप लेड एसिड पे लगाते हैं ऐसे इसमें कनेक्ट करना है। तो किसी भी इन्वर्टर पे लगा सकते हैं इसको? जी 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 जी। तो डिस्प्ले के अंदर क्या क्या दिखता है? डिस्प्ले के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी वोल्टेज को बताएगा, इसके अंदर यूज होने वाले करंट को बताएगा, चार्जिंग करंट कितना जा रहा है या डिस्चार्जिंग करंट कितना जा रहा है, प्लस आपका टेम्परेचर बताएगा, बैटरी का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद आपके SOC बताएगा कितना परसेंटेज ऑफ SOC अभी बची हुई है, मेरी बैटरी अभी कितना इसमें बैकअप है इंक्लूडिंग। ये हमारा 12 वोल्ट है, ये हमारा 24 वोल्ट के अंदर आता है, 24 वोल्ट में आता है ये वाला हमारा। ये भी स्टैंड ऑन और वॉल माउंटेड है। उसके बाद ये भी 24 वोल्ट है, अगर किसी को रखने वाला चाहिए, वॉल माउंटेड नहीं चाहिए तो वो ये रेंज में। दोनों के जो फीचर्स वगैरह सेम है, बैकअप सेम है, सब कुछ इनका इंटरनली सेम है, पर एज पर मार्केट की डिमांड को काफी लोगों ने वॉल माउंटेड भी मांगा, तो हमने वॉल माउंटेड भी इसको किया है अभी। देन इनके ऊपर जो वारंटी वगैरह है वो कितने मिलती है सर? इन सारे प्रोडक्ट रेंज के ऊपर हमारी 5 ईयर की वारंटी है। ओके, लिथियम के जितने भी प्रोडक्ट है, सभी जितने भी प्रोडक्ट है उसमें 5 ईयर की हमारी वारंटी है। की बात करें तो कितना? लाइफ की बात करें तो हमारी जो है 3500 साइकिल के आसपास आप देखेंगे इसके अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं। आप 3500 साइकिल के बाद ये ऑलमोस्ट 80% पे हमारी DOD पे आ जाता है। 80% इसमें कैपेसिटी बचती है, फिर है ना 20% कैपेसिटी लगभग 8 साल के करीब आराम से चल सकता है। 8 से 10 साल वो हमारे यूजेस में काम। देखिए सबसे बड़ा साइकिल के ऊपर यूज होगा सर, ये सबसे बड़ा सभी लोगों का क्वेश्चन है कि ये कितने साल चलेगी, है ना। इसमें हम क्या कहते हैं, हमारे यूजेस पे डिपेंड होती है। अगर मैं एक साइकिल एक दिन के यूज कर रहा हूँ सपोज, तो अगर मैं 365 दिन होते हैं साल के और मैंने 300 साइकिल यूज करी, बिल्कुल है ना, तो 10 साल में मेरे 3000 साइकिल होते हैं। और यही चीज मैं अगर इसको रिवर्स लेता हूँ कि एक दिन में मैं 3 साइकिल यूज कर रहा हूँ, तो एक साल में मेरे 1000 साइकिल हुई, 3 साल के अंदर ये बैकअप ये बैटरी नहीं चल पाएगी ना, 3 क्योंकि अपनी साइकिल पूरी कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे यूजेस पे भी डिपेंड करता है, पर ऑन एन एवरेज हम 5 साल बोलते हैं। काफी लोग कोई 10 साल को बोलता है, कोई 15 साल बोलता है, नहीं बोलते नहीं है, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, बट रियल फैक्ट यही है। राइट, जितना साइकिल जितना जो लाइफ साइकिल यूज करेंगे उतना जल्दी ये खराब होगी बैटरी। वही ना, जैसे अब आपकी हमारी सबकी उम्र किसी की 60 70 की, अब कोई अमर तो नहीं हो सकता, वो अपने हमारे यूजेस पे। राइट, देन इसके बाद में कितने वोट के अंदर वोल्ट के अंदर आती है सर? ये हमारे जैसे 12 है, उसके बाद 12 वोल्ट से लेके हमारा 360 वोल्ट तक का पूरा सिस्टम रेंज है। इसके बाद फिर हमारा 500 वोल्ट से 1500 वोल्ट तक का है। तो इसके बाद में 24 वोल्ट के बाद 48 वोल्ट आता सीधा? हाँ, इसके बाद 48 वोल्ट आएगा, ये भी हमारा 48 वोल्ट में है और ये भी हमारा 48 वोल्ट में है। ये दो अलग अलग सिस्टम है। अब इसमें फर्क ये है कि ये हमारा जो है ना कभी सीरीज और पैरेलल नहीं हो सकता, ये 48 वोल्ट ये स्टैंडलोन एक ही काम करेगा। बट इसके अंदर ये फीचर है कि आपको किसी को बैकअप ज्यादा चाहिए, 48 वोल्ट 200 AH 300 AH ये 1600 AH तक जा सकता है। ओके, इसको हम 16 पीस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। तो 48 वोल्ट 1600 AH तक हम इसका बैकअप बना सकते हैं, बशर्ते हमारे पास जो हमारा चार्जर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो इतना एम्पीयर चार्जिंग इसको दे पाए। तो ये हमारे जैसे काफी कुछ लोगों ने डिमांड करी कि हमारे को 48 वोल्ट में 200 AH चाहिए, 300 AH चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है 48 वोल्ट के अंदर। बिल्कुल, हर किसी का जो 5 किलोवाट मिनिमम लोग लेते हैं एक AC चलाने के लिए, 1 टन का 1-1.5 टन का AC चलाने के लिए, तो फिर बैकअप की थोड़ी डिमांड करते हैं, तो इसलिए हमने बीच की एक रेंज निकाली है। इसके बाद अगर आप आएंगे तो हमारी एक ये बैटरी है ई रिक्शा के लिए, ये हमें इस बार अभी लॉन्च करी है, ये भी एक नया प्रोडक्ट है। ये 51.2 वोल्ट 100 AH के अंदर है, इसका 5 किलोवाट से ऊपर की, हाँ ये भी 5 किलोवाट की बैटरी है। इसके अंदर इसका अभी जो हमारा ट्रायल बेसिस पे माइलेज आया है वो
100 प्लस आया है, 100 किलोमीटर प्लस आया विद मतलब आपका करीब करीब 500 केजी वेट के साथ, मतलब सवारियों को बिठा के हमने इसको फुल लोड के ऊपर चल रहा है, फुल लोड के ऊपर चला के हमने इसको टेस्ट किया हुआ है, तो 100 किलोमीटर के प्लस ही रेंज आ रही है, 100 किलोमीटर के प्लस ही आया, कभी 102 105 वो कई बार हमारा डिपेंड कर जाता है कि हम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में चला रहे तो एवरेज घटता है, अगर हम बहुत ज्यादा पुलों को चढ़ रहे हैं तो हमारा जितनी बार हम ब्रेक को यूज करेंगे उतना हमारे को ये करेगा, बट ऑन एन एवरेज जो हमारा निकला है वो 100 आया है। तो इसमें कितनी रेंज आती है सर, मतलब तो कम से कम कितने एएच में मिलती है और मैक्सिमम? नहीं सर, हमने एक सिंगल ही एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसके अंदर हमने रेंज को घटाया बढ़ाया नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकाला है ताकि जो लोग लेड एसिड बैटरियों से काफी परेशान हो चुके हैं, बार बार हर 6 महीने उन्हें बदलवानी पड़ती है, कभी एक बैटरी उसकी खराब हो जाएगी उसको फिर वो चेंज कराता रहता है, तो उससे बचने के लिए उस जो उसका वेट होता है उस वेट से ये 1/3 वेट में है, तो एक पर्सन एक सवारी को और एक्स्ट्रा बिठा भी सकता है। बिल्कुल, लैडर से बैटरी में तो खुद में ही 50-60 केजी तक हो जाता है, 50-60 केजी तक हो जाता है, ये उससे कम वेट में आती है, 1/3 में स्पेस भी कम लेती है, बिल्कुल तो बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे स्पेस और वजन के लिए सबसे ज्यादा लिथियम बैटरी परफेक्ट रहती है। प्लस अगर आपको कहीं ऐसे आपका रिक्शा खड़ा है कि आपको श्योरिटी नहीं है, आप लेड एसिड बैटरी को निकाल के नहीं जा सकते, इसको निकाल के अपने घर ले आ सकते हैं, घर चार्ज करके अगले दिन सुबह आके, ये तो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। हाँ, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम सिंपली। तो इसी बात में आते हैं, ये हम आते हैं तो ये हमारा 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट के अंदर 100 एएच है, इसमें 60-60 वोल्ट के दो पैक है। ओके, ये सीरीज के अंदर कनेक्ट, ये सीरीज के अंदर कनेक्ट होती है, बट हर कोई बैटरी सीरीज में कनेक्ट नहीं हो सकती, सिंपल एक यही है क्योंकि इसका बीएमएस की जो टोपोलॉजी है वो अलग है, राइट, ये स्पेशली डिजाइन सिर्फ 120 वोल्ट के लिए करा है क्योंकि काफी लोगों की ये डिमांड हो रही थी, 120 वोल्ट के अंदर हमें बहुत अच्छे और रीजनेबल प्राइस पे बैटरी पैक चाहिए, तो वो हमने इसको डिजाइन करा है 120 वोल्ट। लैडर सीट में 10 बैटरियां काफी जगह, ज्यादा जगह लगी, आप देखिए 10 बैटरी, दो बैटरी की जगह में आ जाएगा, दो बैटरी की जगह में स्टैंडर्ड ऑन एक के ऊपर एक लिया है क्योंकि काफी जगह लोगों के पास स्पेस नहीं था, तो वहां पे हमने फिर इसको ये डिजाइन किया है कि कम से कम स्पेस में उसके आप उसको यूज के साथ में ये भी प्रॉब्लम है सर कि जैसे गैसेज रिलीज होती है उसे बार बार पानी डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है उसमें, टॉप अप करना पड़ेगा, और ज्यादा देखना पड़ेगा, फिर सबसे बड़ी क्या है जब नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ती है तो नंबर ऑफ फॉल्ट्स बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अभी आपको पता लगता है कि एक बैटरी खराब हो गई, आप उसको सही समय पे नहीं देखा तो आसपास के दो बैटरीज को और खराब करेगा, बिल्कुल। अब आएंगे तो ये 96 वोल्ट का है, 100 एएच का है ये बैटरी पैक, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी 99 वोल्ट आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि अभी 60% ये चार्ज है, इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 96 वोल्ट, ये हमारा वॉल माउंटेड है, इसके अंदर क्या है इन्वर्टर प्लस 1.2 किलोवाट की एक बैटरी है, इसके अंदर 1 किलोवाट का सोलर पैनल ये सपोर्ट कर सकता है, प्लग एंड प्ले है, सिंपली हम इसको मेंस में प्लग करेंगे, यहाँ से इसका सोलर इनपुट है और आउटपुट आप ले सकते हैं, ये छोटी शॉप्स वगैरह जहाँ पर बिजली अवेलेबल नहीं है या उसके पास स्पेस नहीं है तो वॉल माउंटेड हमने इसको बनाया है, बिल्कुल छोटी शॉप, अगर वो अपना सोलर लगा देता है तो एक दुकान के लिए उसको फिर कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उसका नॉर्मल सफिशिएंट उसका वो लोड चला सकता है उसकी शॉप के ऊपर। ये हमारा ना अब 96 वोल्ट तक जो था ये हम उसको लो वोल्टेज मानते हैं, इसके ऊपर जब हम हाई जाएंगे तो फिर हमारा 120 वाला था 180, सर वो हमारी लो वोल्टेज रेंज थी, ये हमारी हाई वोल्टेज रेंज है, अगर आप देखेंगे तो उधर हमारा 180 वोल्ट रखा है, 180 वोल्ट 100 एएच, ये 240 वोल्ट 100 एएच का है, एक हमारा इससे ऊपर आता है 360 वोल्ट 100 एएच। अब आप देखेंगे सिंपली 360-100 वोल्ट के अंदर ये पूरा टच स्क्रीन है, 48 वोल्ट 100 एएच का एक बैटरी पैक है जो हमने सीरीज में करके बनाया हुआ है, ये इसके अंदर सभी में स्लेव्स लगे हुए हैं, इस बीएमएस की जो टोपोलॉजी है हम कहेंगे ये हमारी मास्टर स्लेव टेक्नोलॉजी है, इसमें स्लेव्स लगे हुए हैं हर मॉड्यूल के साथ, एक मॉड्यूल हमारा 48 वोल्ट 100 एएच का है, ये हमारा मास्टर है, मास्टर को कम्युनिकेशन के थ्रू सारा डेटा मिल रहा है और उसको ये कंट्रोल कर रहा है। तो इसके लिए इन्वर्टर अलग लगता है सर? इसके लिए बिल्कुल इन्वर्टर अलग लगेगा, यहाँ से हम देखेंगे पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है इनपुट, जब हमें इन्वर्टर को देना है वो यहाँ से आउटपुट निकलेगा, यहाँ से आप आउटपुट निकाल के इन्वर्टर को दे देंगे, इस पूरे जो बैटरी पैक का ये माइंड मान सकते हैं, हाँ ये माइंड मान सकते हैं, इसके अंदर क्या है ये पूरी टच स्क्रीन है फुली, यहाँ पे इसकी वोल्टेज भी आपको शो करेगा, इसमें क्या चार्जिंग करंट अभी चल रही है या डिस्चार्जिंग करंट क्या चल रही है, प्लस इसकी एसओसी कितनी है इस समय पे, प्लस इसके अंदर कितनी पावर हमने यूज कर चुके हैं, यूटिलाइज कर चुके हैं, अगर आपको रिमोटली देख रहे हैं या इसको लैन के थ्रू कनेक्ट करके आप इसको कंप्यूटर के ऊपर अपने सिस्टम पे देख सकते हैं, जैसे स्काडा पीएलसी ये सब सिस्टम जैसे लगे हुए होते हैं उनको बैकअप में, ऐसे उसको ये इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो सकता है, आपको डेटा लाइव ये शो करेगा उसके अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या है कि हम पैरेलली अगर इसको बैकअप को इंक्रीज करना है तो हम पैरेलली भी इसको लगा सकते हैं, कितने पीस का सर? इसके अंदर पैरेलल हमारे पास अभी 8-10 पीसेस तक हम जा सकते हैं, इसमें जितना रिक्वायरमेंट हो बैकअप का उस, हाँ जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्यादा जाने के लिए अभी इन्वर्टर डेवलप इंडिया में है नहीं, राइट, इस रेंज हाई वोल्टेज
वोल्टेज रेंज का इन्वर्टर ही नहीं है, हाई वोल्टेज की चार्जिंग के साथ नहीं है इन्वर्टर। हाँ, चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा, फिर चार्ज नहीं होगा, पूरा चार्ज नहीं होगा, तो फिर इसके लिए वहां पर कस्टमर को प्रॉब्लम आएगी। आप सभी में देखेंगे तो एक चीज और है कि हमारा जो ना जितनी भी बैटरीज है इसमें हमने डबल लेयर प्रोटेक्शन दी हुई है। ओके, डबल लेयर मीन्स एक लेयर होती है हमारी बीएमएस की, एक हमारी होती है हमने एमसीबी के थ्रू दी है। आप देखेंगे एमसीबी फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, राइट, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के लिए, सर्किट ओवरलोड के लिए, क्योंकि नेगेटिव पार्ट पे हमारा हमेशा मॉस्फेट रहता है, पॉजिटिव पार्ट्स के ऊपर हमने एमसीबी को दिया है। तो इसके ऊपर वारंटी वगैरह कितनी मिलती है सर? सभी रेंज के ऊपर, चाहे ये रेंज हो हाई से लो, सारी रेंज पे हमारा 5 ईयर, सभी के ऊपर 5 ईयर, इसके अंदर कोई। तो ये अभी फिलहाल आपने इतना सिस्टम लॉन्च किया सर, स्पेशली लिथियम का ये अंदर लॉन्च किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके बाद हम जरूर मिलेंगे अगले अपने 500 वोल्ट के बाद, 1500 वोल्ट के लिए। श्योर श्योर, ओके सर, थैंक यू। तो अभी आपने देख लिया है यहाँ पर यूटिल कंपनी ने लो वोल्टेज रेंज से लेकर हाई वोल्टेज रेंज के अंदर अपने लिथियम पैक को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आप इसका यूज अब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के रूप में कर सकते हैं। अगर आपके पास में 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो उसके लिए भी अभी यहाँ पे आपको लिथियम बैटरी मिलने वाली है, और 360 वोल्ट का भी अगर आपके पास में इन्वर्टर है देन आप यहाँ से लिथियम बैटरी ले सकते हैं। तो अभी एक वाइड रेंज के अंदर यूटिल कंपनी के अंदर लिथियम बैटरी मिलने वाली है। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो यूटिल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली इनके ऑथराइज डीलर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी पक्का कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।